हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थान की सबसे फेमस डिश सेव और टमाटर की सब्जी, जिसे अक्सर लोग ढाबों में और रेस्टोरेंट में ऑर्डर करके बनवाते हैं और खाना बहुत ही पसंद करते हैं। बहुत ही थोड़े से सामान से बनकर रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने लिया है नमकीन सेव, बेसन की जो मोटी नमकीन आती है वो है। साथ में 2 से 3 टमाटरों को चॉप कर लिया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी है, साथ में ही है अदरक लहसुन हरी मिर्च को मैंने काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में 2 से 3 प्याज को भी मैंने इस तरह चॉप कर लिया है। अब मैंने गैस पर रखी है कढ़ाई, उसमें ऑयल डाल दिया है, 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने जीरा, साथ में डाला है मैंने तेज पत्ता, इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को डालकर हम 2 से 3 मिनट इसको हल्का सा गोल्डन कर लेंगे। लहसुन अदरक हमारा बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो मैंने इसमें चॉप की हुई प्याज डाल दी है। प्याज को भी बहुत अच्छे से हम इसमें फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, आप चाहें तो इसमें प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद टमाटर को भी प्याज के साथ बहुत अच्छे से हम भून लेंगे, इसका कच्चापन सारा दूर हो जाना चाहिए। अब मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है नमक, 1/2 टेबल स्पून डाल दिया हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून डाला है पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून डाल दिया है किचन किंग मसाला और 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने साबुत खड़े मसालों का पाउडर बनाकर। अब बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि हम मसाला अच्छे से भून पाएँ। इस तरह से देखिए सारे ही मसालों को चलाते हुए हम कम से कम 2 से 3 मिनट इसे अच्छा सा भून लेंगे। ये ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, थोड़ी सी डाल देंगे टेस्ट के लिए कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर डालिए। इसको भी अच्छे से हम मसालों के साथ भून लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें दही, तो दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, दही ज़रूर डालिए। तो इस तरह से मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच के करीब दही को डाल दिया है और दही हमारी अच्छे से इसमें मसालों के साथ भून जानी चाहिए। इसके बाद मैं डालूँगी 2 चम्मच के करीब इसमें घर का फ्रेश जो है मलाई, आप चाहें तो मार्केट वाली जो अमूल क्रीम आती है उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी सी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा जो है पैकेट खोलना पड़ता है। तो इसीलिए आप क्या करें कि घर की फ्रेश मलाई का यूज़ कर सकते हैं। मसाला बहुत अच्छे से हमारा भुनकर रेडी हो गया है, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। तो इसको भी बहुत अच्छे से लीड लगाकर कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये 5 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ, ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अब इसमें हम नमकीन सेव डाल देंगे, तो इसको भी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से पका लेंगे। तो मैंने इसमें ग्रेवी कम रखी है, आप चाहें तो थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। साथ में ही मैंने लंबे कटे हुए टमाटर हरा धनिया डाल दिया है, 2 मिनट ही पकाएंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और राजस्थान के लोगों की ये बहुत फेमस डिश है। तो इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, जब कभी सब्जी ना हो तो आप इस तरह से नमकीन सेव को बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें।